हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। बहन इशरत जहां कुछ कहना चाहती हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि दो मिनट में आकर के आप अपनी बात रखें, प्लीज सिर्फ दो मिनट। वक्त का ख्याल रखें क्योंकि हमें सभी स्पीकर्स को सुनना है। शुक्रिया अहमद भाई कि आज आपने ऐसा प्रोग्राम रखा जहां मुल्क में एक तरफ सच बोलना जो है वो जुर्रत माना जा रहा है। वाकई आप बधाई के हकदार हैं। और डायस पर बैठे तारिक अनवर साहब, महमूद पराचा जी, मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं और यहाँ पर सभी हजरात मेरी बहनें मौजूद हैं। जैसे मेरे से पहले एक स्पीकर हमारे भाई जो बीएमसी से कॉरपोरेटर हैं उन्होंने काफ़ी बातें रखी और हंजला भाई ने भी, तो मैं कहना चाहूँगी आपकी, आपने अपनी बात को जब ख़त्म किया तो आपने कहा कि अब जो दौर है वो ऐसा दौर है कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगी कि आसमां जलती ज़मीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे। मैं, हालांकि मोहम्मद भाई ने बिल्कुल भी, मैं कहूँगी कि तैयारी का मौका नहीं दिया और एकदम से नाम ले दिया, तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। खासकर जहाँ हमारे इतने बड़े लीडरान बैठे हुए हैं अपनी बात रखते हुए। लेकिन जैसे आज मौजू भी रखा गया और बात जो है वो हकीकत है। अगर हम बात करें मुल्क में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, तो अगर हम दादरी से लेके बाबरी तक की बात करें, हम लोग महफूज नहीं हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में हमें हक दिया गया था। और जो लोग बात करते हैं किसी भी तरीके से, अगर हम पर तंज करते हैं, तो वाकई ज़रूरत है डायलॉग की, वाकई ज़रूरत है संवाद की और वाकई ज़रूरत है अपनी बात को आगे रखने की। और जब हमें ये कह दिया जाता है अपनी बात रखने के ऊपर कि चलिए यहाँ से पाकिस्तान चले जाइए, अगर आप बोलेंगे, आप सच बोलेंगे, आप अपने हकों की बात करेंगे, तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो हम ये चुनाव जो है अपने इस बात का, अपना अधिकार 1947 में इस्तेमाल कर लेते। हमारा इस मुल्क से जो है वो सरहदों का रिश्ता नहीं है, हमारा इस मिट्टी से, इस वतन से खून का रिश्ता है। जिनका सरहदों का रिश्ता है वो पाकिस्तान चले गए थे। और जो सरहदों का रिश्ता रखते हैं, जो कहीं ना कहीं मुल्क को या आवाम को एक दायरे में रखना चाहते हैं, वो यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की बात करते हैं। और मैं आखिर में, कि मोहम्मद भाई उससे पहले मुझे इशारा करें, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हम सब इस्लाम को मानने वाले हैं या इस्लाम की राह में कोई भी ऐसा, चाहे वो गैर मुसलमान भी है, इस्लाम कोई बात ऐसी नहीं सिखाता जो आप मानने से मना कर दें, क्योंकि हर धर्म का एक ही मैसेज है। तो जहाँ तक मोटा मोटा, क्योंकि हमारे कारी साहब या मौलवी साहब ने जिस तरीके से पढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ मेरे वालिद साहब एक बात कहते थे कि मोटा मोटा इस्लाम को जानो। आज मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कुछ बातें हैं जो आज भी मेरे जहन में हैं कि इस्लाम की अगर मोटी मोटी बातें हम देखें तो दो बातें निकल कर सामने आती हैं कि इस्लाम एक तो बात करता है इबादत की और दूसरी बात करता है अखलाक की। अगर आपको कोई पाकिस्तान जाने की बात कहे, आप पर कोई हमला करने की बात कहे, तो आप थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मत दीजिए। मैं कहूँगी आप उसका जवाब अखलाक से दीजिए, तो मुझे लगता है कि आप सामने वाले का दिल बिल्कुल जीत पाएंगे। जैसे मेरे भाई ने भी कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस तरीके से एक आदमी, एक शख्स जो है वो मस्जिद में पेशाब करते हुए मिले, लेकिन डायलॉग के ज़रिए उनकी जो उनका जो तरीका था उसको बदला गया। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप इस्लाम पर चलने वाले लोग हैं तो अखलाक कायम कीजिए। अगर आप अखलाक कायम कर लेते हैं तो समाज में आपकी जीत होगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इस जमहूरियत, भले ही जमहूरियत है, लेकिन चलिए मोहम्मद भाई का इशारा आ चुका है, मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करती हूँ मोहम्मद भाई का
और आप सब लोगों का कि आपने मेरी बात को सुना और बोलने का मौका दिया, शुक्रिया।